केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कल सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम न लिया जाना कांग्रेस की तरफ से, ये दर्शाता है कि उन्होंने किस तरीके से अपनी राजनीति को सिर्फ अपने दायरे तक रखा हुआ है। पटेल जी का नाम लेना पीएम की मजबूरी है। मुझे लग रहा है कि आज के दिन कम से कम कांग्रेस को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए था। जो सम्मान कांग्रेस को देना चाहिए था सरकार बनने के बाद, कांग्रेस नहीं दे पाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देश के लिए कुर्बानी दी है, काम किया है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की बौखलाहट, कांग्रेस की तिलमिलाहट इससे साफ जाहिर होती है कि आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की बौखलाहट इससे समझ में आ रही कि हम नहीं कर पाए, क्योंकि एक परिवार के दायरे से बाहर कांग्रेस नहीं निकल पाई। मैं आज के इस बयान पर इतना कह सकती हूँ कि कम से कम कुछ किसी मुद्दों पर तो बचना चाहिए, लेकिन कांग्रेस किसी मुद्दे से नहीं बच रही। साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाया है कि आखिर किस तरीके से वो महापुरुषों को भी अपनी राजनीति के लिए नहीं बख्शते हैं। SPN9 न्यूज रूम से अनुज मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।